नालायक बेटा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा। बेटे ने कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसीलिए हाथ भी तंग चल रहा। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब ये लायक दो बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या करेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगीं। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े बेटे भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गाँव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गाँव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करवाने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुँह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि 3रे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी, वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य सा हो गया। एक दिन यूँ ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुँचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं क्या? पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई, यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए, बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उनको मुँह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंखों में भी आंसू बहे जा रहे थे और माधव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक बेटा था वह। ऐसा नालायक बेटा भगवान सबको दे। नमस्कार दोस्तों, सुमन ब्लॉग अगर स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।